Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello everyone. Welcome to Shomaila's Cooking Passion. कैसी है मेरी प्यारी YouTube family? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आप सोच रहे होंगे आज मैं किसको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ. तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यूट्यूब का आज 17th हैप्पी बर्थडे है. आज यानी 23rd अप्रैल 2005 को यूट्यूब ने अपनी पहली वीडियो डाली थी और आज हमारा यूट्यूब 17 ईयर्स का हो गया. तो आज है इंटरनेशनल यूट्यूब क्रिएटर्स डे. आज की मेरी फुल वीडियो डेडिकेटेड है यूट्यूब क्रिएटर्स को और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेटी रेड मिरर ग्लेस केक. और मैंने इस केक को बनाया है यूट्यूब के स्पेशल डिज़ाइन में. तो चलिए चलते हैं किचन में अपनी रेसिपी की तरफ. सबसे पहले मैं आपको रेड ग्लेस के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. मैंने 1.5 कप पानी लिया है, 2/3 कप से शुगर लिया है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और मैंने रेड कलर लिया है और स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है. अब सबसे पहले मैं पानी में शक्कर को और कॉर्नफ्लोर को डालकर अच्छे से घोल लूँगी. याद रखिए मैंने इसको गैस पर अभी नहीं रखा है, मैं ऐसे ही ठंडे पानी में एक पैन में करके इसको अच्छे से पहले घोल रही हूँ. अब जब ये घुल जाएगा तब मैं अब इसको गैस पर रखूँगी और गैस पर पहले मैं सिर्फ 20 सेकंड के लिए तेज़ आंच पर रखूँगी और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाती जाऊँगी. और आप देखिए जिस तरह से मैं पका रही हूँ, ये पकाते पकाते इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा. हमें इसे और ट्रांसपेरेंट करना है और ये अभी बिल्कुल पानी है, हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है. बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए मैंने गैस को थोड़ा सा तेज़ किया था, उसके बाद फिर से वापस से लो फ्लेम पर कर दिया और ये देखिए थिक हो चुका है हमारा. अब यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए ये कितना थिक है. बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए. इस ग्लेस को रेडी करने में टोटल टाइम लगा है 15 मिनट्स और इसको मैं कंटिन्यूस चलाती रही हूँ, मिक्स करती रही हूँ, कहीं भी रुकी नहीं. अगर रुक जाती तो ये बहुत जम जाता और बिल्कुल ऐसा नहीं रेडी होता, आपका ख़राब हो जाता. तो आपको ये टिप हमेशा याद रखिएगा कि इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है. अब जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसमें रेड कलर डाल दिया है और ये देखिए मैंने दो तरह का रेड कलर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक डार्क कलर भी चाहिए था और थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर भी शाइन के लिए चाहिए था. तो मैंने दो कंपनीज का अलग अलग कलर डाला है और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है 1 टीस्पून और कलर आप अपने अकॉर्डिंग जितना डार्क लाइट डालना है आप उस तरह से डाल सकते हैं. देखिए कितना खूबसूरत इसका रेड कलर आया है, बिल्कुल शाइन कर रहा है मिरर की तरह. ये है चॉकलेट स्पॉन्ज, ये एग से बना है, इसमें मैंने 4 एग्स डाले हैं. इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी दूंगी और अगर आपको एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी देखनी है तो मैं इसका लिंक यहाँ पर अभी दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ मैंने 1 कप मिल्क लिया है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून शुगर डाल के खूब अच्छे से मिक्स करके इसका सिरप बना लिया है और केक को 20 से 2 पार्ट में डिवाइड किया और पूरे केक पर मैंने इस सिरप को अच्छे से लगा दिया है ताकि केक अंदर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए. अब मैंने केक का एक ऊपर का हिस्सा ले लिया है और अब ये देखिए मैंने पेपर पे ट्रायंगल शेप बनाया और सेंटर से इस तरह से रखकर काट रही हूँ. अब जब ये बीच से ट्रायंगल शेप का केक कट जाएगा तो मैं इस बीच वाले पार्ट को अलग कर लूँगी. अब मैं ये नीचे वाले केक के हिस्से में अच्छे से क्रीम लगा दूंगी और क्रीम लगाने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट भी रख दूंगी. आप लोग देख रहे होंगे मेरा केक टूट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर जुड़ जाएगा. केक को अच्छे से सेट करने के बाद मैं सेंटर से ये ट्रायंगल वाला हिस्सा बाहर निकाल लूंगी
और अब मैंने ले लिया है यूज़ एंड थ्रो वाला पाइपिंग बैग और उसमें मैं ये रेड ग्लेस फिल कर रही हूँ। अब ये देखे यहाँ पे कोन रेडी हो चुका है और मैं इस तरह से पूरे केक पर रेड ग्लेस को स्प्रेड कर रही हूँ। अब ये देखे यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से रेड ग्लेस हमारा लग चुका है और मैंने बीच में केक को फिट कर दिया और उसके ऊपर अब मैं क्रीम से पूरा ट्राइंगल शेप में कवर कर दूंगी। अच्छा, तो केक बनाते बनाते ये मत भूल जाइएगा कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर यूट्यूब को बर्थडे विश करना है और मुझे ये भी बताना है कि मेरा यूट्यूब मेरा ग्लेस केक कैसा लग रहा है। इसके बाद आपको ये रेड बटन जो मैं केक वाला बना रही हूँ इसे नहीं, वो जो नीचे राइट साइड में होता है उसे सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करना है और उसके ऊपर बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना है ताकि जैसी मेरी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और ये हमारा रेड मिरर ग्लेस चॉकलेटी चॉकलेटी यूट्यूब केक डिजाइन केक रेडी हो गया है। अब चलिए जल्दी से इसे काटा जाए और काट के यमी यमी टेस्टी टेस्टी खाया जाए और कहा जाए हैप्पी बर्थडे वंस अगेन यूट्यूब। तो फिर बुलाओ जी, ये लीजिए वन बाइट आपके लिए भी। अगर आपको मेरे रेड मिरर ग्लेस चॉकलेटी चॉकलेटी यूट्यूब केक डिजाइन का केक पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह फिर मैं आऊंगी जबरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। टेक केयर।